तीन पिंड पिंड प्रदर्शन है, काम का टाइम है, जमींदार कले कले आदमी अज प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे पर कोई असर ही नहीं हो रहा। उल्टा तो मतलब इन्ना मतलब डिक्टेटरशिप तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता जिन्ना कि ये मतलब मोदी बैठा पहली बार देखिए भी किसी का कोई भी हक होना किसी को कानून नहीं गा। ये नहीं अपनी मर्जी ना कानून बना दो जो बहुमत आ गया तो जनता तो पुछ के कानून बनने चाहिए है। This is my school. It's right. Please and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from church center itself. This is a school for my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैनपाल गांव में। और सैनपाल गांव में आप देख सकते हैं कि किसान जो हैं, गांव के किसान हैं, वो यहाँ पे पुतला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला है वो रावण स्वरूपी उनको ले करके यहाँ से निकले हैं। गाँव में शव यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद जो है इस पुतले का दहन किया जाएगा। जैसा कि पहले से विधि था कि दशहरे के दिन लगभग गाँव में हमें ये सुनने को मिला था कि रावण स्वरूपी मोदी का पुतला जो है वो फूंका जा रहा है और किसानों ने रोष स्वरूप पुतले फूंके भी थे, लेकिन उसके बाद ये मुहिम जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो एडवोकेट मनीष जोधपुरिया और प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जो किसान नेता हैं, धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में ये जो शव यात्रा निकाली जा रही है और ये पुतला फूंकने का काम जो है वो किया जा रहा है। चलिए आगे किस तरह की तस्वीरें और ग्रामीण भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस शव यात्रा में, इस पुतला फूंकने का जो कार्यक्रम है उसमें पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा तो यहाँ पे किसानों को एक आह्वान भी करने आए, एक संदेश भी देने आए, एक अपील भी करने आए हैं कि 16 नवंबर को सिरसा में होने वाले आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान जो है वो पहुँचे। काले कानून वापिस लो के नारे के संबोधन के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण स्वरूप यहां पे पेश किया गया है। और मुंह पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जूते चप्पल जो है वो मारे जा रहे हैं और जूतों की माला सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र यहां पे इस पुतले में रही है कि जूतों की माला डाल करके और मुँह पे चप्पल जो मारते हुए किसान विरोध स्वरूप यहाँ सैनपाल गांव के किसान विरोध जो है वो लगातार कर रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ साथ जो है मुंह पे चप्पल मारते हुए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी इस पुतले को फूंका जाएगा। चलिए अभी किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा और जो इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं मनीष जोधपुरिया जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मनीष जोधपुरिया से बातचीत करते हैं। सर, आज का क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम रखा गया था? दशहरे के बाद आप लगातार इसी तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं या बीच बीच में कोई गाँव चुन के कार्यक्रम कर रहे हैं? हम ये जो रावण दहन की प्रक्रिया है ये तब तक जारी रहेगी जब तक रावण का अंत नहीं हो जाता। पहले तो एक रावण था, पर ये एक रावणों का समूह है। नरेंद्र मोदी और इसका जो संगठन है ये रावणों का समूह है, इनको शर्म नहीं है। वो रावण तो एक तीर से मर गया था, पर इस रावण ने एक तीर से मरने वाले लोग नहीं है, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे लिए अब कोई दशहरा, कोई दिवाली, अब हमारे लिए कोई त्यौहार इन्होंने छोड़ा नहीं है। जब परिस्थितियाँ पेट के लिए लड़ने की आ जाती हैं तो उनको त्यौहार अच्छे नहीं लगते। हमारे लिए हर दिन दशहरा है। अब हम लोग हर रोज़ रावण दहन करेंगे
और रावण के रूप में हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। जितनी बुराइयां हमारे हिंदू समाज को, हमारे सिख समाज को रावण में दिखती थी, आज उतनी ही बुराइयां हमारी किसान कौम को नरेंद्र मोदी में दिखती हैं। चलिए शुक्रिया प्रहलाद जी, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। अभी आपने लोगों से अपील भी की थी, ग्रामीणों से ज़्यादा से ज़्यादा धरने में इकट्ठा होने की, और 16 नवंबर का एक कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या संदेश गांव के लोगों को दे रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा है, और आज जो आंदोलन है ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक जो है इस आंदोलन का आज हिस्सा बन गया है कि तीन जो काले कानून हैं ये किसी एक वर्ग को नहीं, पूरे देश को बर्बाद करने वाले कानून है। इसलिए इसके अंदर किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, कर्मचारी सब लोग जो है आज इन कानूनों का खिलाफ कर रहे हैं, और गांव-गांव के अंदर जाके जिस तरीके से आज देखा सेनपाल के अंदर यहाँ पे अगर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर इसको पुतला दहन किया है, इतना रोष है लोगों के अंदर इन तीन काले कानूनों के खिलाफ। इसको लेके 16 तारीख को शहीद भगत सिंह स्टेडियम के अंदर जो पक्का मोर्चा चल रहा है सिरसा में, वहाँ पर लोक पंचायत हमने रखी है, और उस दिन 16 नवंबर को करतार सिंह सराभा का शहादत दिवस है, उनके साथियों को ये जो है लोक पंचायत हम समर्पित करने जा रहे हैं जिन्होंने शहादतें दी थी। 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा जो है उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, वो शहीद हो गए थे, उनको हम ये लोक पंचायत समर्पित कर रहे हैं, जिसके अंदर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो ट्रैक्टरों से सिरसा पहुंचेंगे, और 26 तारीख को जो है दिल्ली की तरफ पूरे देश का किसान कूच करेगा इन तीन काले कानूनों के खिलाफ। ये आंदोलन बहुत बड़ा बनता जा रहा है। चलिए अभी कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है, दोनों किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा, ग्रामीण मेरे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं, कैसा सहयोग आप आने वाले समय में किसान हित के लिए किसान धरने पे करने वाले? किसान सभी एक हैं, हम सब किसानों की एकता, हम जिस दिन से धरने शुरू हुए उस दिन से हमारे गांव के लोग जा रहे हैं, हम सब किसानों में एकता है, एकता ही जिंदाबाद रहेगी। पर एक गांव की तरफ से पहले भी संघर्ष में हम लोग अपना योगदान देते रहे हैं, और आज एक नए सिरे से कमेटी बना रहे हैं पूरे गांव के अंदर युवाओं को साथ लेके, उस कमेटी के द्वारा हमने अभी भी निर्णय भी लिया है कि हम लोग ग्राम पंचायत के अंदर एक प्रस्ताव पास करेंगे जो इसके खिलाफ होगा, बिल्कुल हमें ये कानून मंजूर नहीं है, और उसके पश्चात समय समय पर जो भी जो यूनियन हमें कार्यक्रम देंगी पूरे ग्राम को, पूरे ग्राम एक साथ एकजुट होकर हम इनका सहयोग करेंगे, और हर कोशिश करेंगे कि जो भी ये प्रोग्राम जैसे दिल्ली जाने का प्रोग्राम हो उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। धन्यवाद। भाई साहब आप युवा हैं, युवाओं की किस तरह से आप भागीदारी मानते हैं कि होनी चाहिए और किस तरह की हो रही है? देखो जी हमारे बुजुर्ग तो जो है वो अपनी अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, आगे ये भविष्य हमारे लिए है, ये कानून है जो हमारे भविष्य के लिए खतरा है, इसलिए इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, और हम इसके लिए खड़े भी होंगे और इसका विरोध भी करेंगे। ये सरकार ये कानून किसानों को भोला समझ रही है, लेकिन ये किसान पढ़ा लिखा है इसलिए ये अब रोडों पर है, और इसका विरोध हम पुरजोर करेंगे। सर तुसी की कहना चाहोगे, किस तरह का थोड़ा सहयोग आने वाले समय दे विच किसानां नूं रहेगा? सर जी साडा तो मतलब है कि साडियां जिहड़ियां जमीनां ने वो साडे दादे पड़दादे पिओं दा साडा रुजगार ही इस ते चल रहा है शुरू तो, ते मतलब कौन हुंदा जिहड़ा कि मोदी खोलूगा? जदों असीं किसे देश दा प्रधानमंत्री जां मुख्यमंत्री बनाउणे आ उहदा इह फर्ज बनदा ते देश दी सेवा करना, लोग जो चाहुण उहनां दा फर्ज बनदा पिंडां चाहुण, पिंडा जाके पूछनी तुहानूं की तकलीफ है तो दसी जाए, उल्टा है तो मतलब इन्ना मतलब डिकटेटरशिप तो लोकतंत्र च हो ही नहीं सकता जिन्ना कि जे मतलब मोदी बैठा पहली बार देखिया भी किसी का कोई भी हक होना किसी को कानून नहीं गाए, ये नहीं अपनी मर्जी ना कानून बना दो जो बहुत मत आ गया, तो जनता तो पुछ के कानून बनने चाहिए है, जनता को सुखी करना, जनता हर को तो उम्मीद रखती है कि असं ऐसा कोई अपना राजा बनाइए जिहड़ा जनता को सुख देवे। तीन पिंड पिंड प्रदर्शन है, काम का टाइम है, जमींदार कल्ले कल्ले आदमी अज प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तेनों ये तो उस परमात्मा तो भी डरना चाहिए भी किसी ना किसी की जी आवाज़ निकलती है ना वो हरक की बुराई की निकलती है तो कदे ना कदे उस बंद लैके बैठ जाती है, तेनों बड़ा सोच समझ के काम करने चाहिए, आपके जो कानून वापस लवे, किसी के हक नहीं खोने, हक दे सकता जिहड़ा राजा हुंदा ते कदे भी नहीं खोने चाहिए, मैं यही बेनती करूंगा कि किसान एकता दे नाल असीं दिन रात नाल जुड़े हुए हैं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि किसानों ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है, एक किसान का कहना है कि राजा का काम होता है प्रजा को सुख देना, और ये एक ऐसा राजा जो प्रजा को सुख देने के बजाय दुखी करता जा रहा है, तो ऐसे में इस राजा को ज़्यादा तानाशाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए, पूर्ण बहुमत से सरकार आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जनता को अपना हुक्म चलाएगा, जनता की सेवा करने का मकसद होना चाहिए जिससे कि जनता भी सुखी रहे और किसी तरह का विरोध भी ना हो। अब अगर किसान विरोधी तीन ये जो अध्यादेश किसान मान रहे हैं
इन अध्यादेशों की को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के लगातार किसान जो है वो मोर्चा पे डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अभी जो गांव-गांव में किसानों के द्वारा पुतला जो है नरेंद्र मोदी का रावण का स्वरूप देकर के ये पुतला जो फूंका जा रहा है, ये गांव-गांव में मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करूं तो साथ के साथ किसान नेता गांव में जाकर के 16 नवंबर को शहीद करतार सिंह सराबा के शहीदी दिवस पर किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं कि उस दिन एक महा पंचायत का आयोजन किया जाएगा, महा किसान पड़ाव का आयोजन किया जाएगा और वो करतार सिंह सराबा को समर्पित किया जाएगा। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान 16 नवंबर को सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचे और इसी तरह से अपना योगदान जो है इस किसान आंदोलन में देते रहें। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।